ओडिशा से चुनाव प्रचार कर वापस रायपुर लौटे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ओडिशा में 24 साल से नवीन पटनायक की सरकार है, लेकिन जनता परेशान है। चारों ओर भ्रष्टाचार का वातावरण है। लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। माता बहनों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ओडिशा की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं का ओडिशा में चर्चा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ओडिशा हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा बहुत है। लगातार चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा जाना हो रहा है। पहले कालाहांडी लोकसभा का प्रवास किया। पिछले 24 सालों से उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, पर उड़ीसा के लोग आज परेशान हैं। एक तरफ जहां राज्य में चहुमोर भ्रष्टाचार का वातावरण है, लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं, माताओं बहनों का सम्मान, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, विकास में पिछड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात जनता के प्रति जवाबदेह सरकार नहीं है। असंवैधानिक रूप से वहां सरकार चल रही है, और इसलिए उड़ीसा की जनता परिवर्तन चाहती है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा भी उड़ीसा में नीचे स्तर पर चला गया है, चाहे वो 3100 रुपए क्विंटल धान की खरीदी का विषय हो, मुताले बंधन योजना हो, ऐसी योजनाओं की चर्चा उड़ीसा में व्यापक स्तर पर हो रही है, और लोग परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं। और निश्चित रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव की बात करें उड़ीसा की, तो लोगों में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की उत्सुकता है, चाहत है, और इसलिए उड़ीसा में लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है।